हेलो एवरीबॉडी। आज हम कोचेज एंड असिस्टेंट कोचेज की वेरियस जॉब्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओपन की है उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। किस किस गेम में कितनी कितनी वैकेंसीज ओपन की है इन कोचेज एंड असिस्टेंट कोचेज में, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आइदर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, आइदर पे स्केल क्या होगा, आइदर कोचेज रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड अदर सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या होंगे, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के रिगार्डिंग। सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वेरियस कोचेज की जो जॉब्स डिसिप्लिन की वैकेंसीज ओपन की है, इनिशियली पीरियड फॉर 4 ईयर सब्जेक्ट टू ईयरली परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एज डिटेल बिलो, डिफरेंट डिसिप्लिनस के रिगार्डिंग ये वैकेंसीज ओपन की है। फॉर एग्जांपल आर्चरी डिसिप्लिन के लिए 7, एथलेटिक्स 10, बास्केटबॉल 2, बॉक्सिंग 7, साइकिलिंग 7, फेंसिंग 7, फुटबॉल 2, जिमनास्टिक 2, हॉकी 7, जूडो 7, कबड्डी 2, कैकिंग कनोइंग 2, रोइंग 7, शूटिंग 7, स्विमिंग 2, टेबल टेनिस 2, ताइक्वांडो 2, वॉलीबॉल 2, वेटलिफ्टिंग 7, रेसलिंग 7, वुशू 2। टोटल पोस्ट मिला के ये 100 पोस्ट उन्होंने कोचिस के ही ओपन की है, जिसमें 100 वैकेंसी में 41 अनरिजर्व, 27 अदर बैकवर्ड क्लासेस, 7 ST एंड 15 SC एंड 10 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये पोस्टें उन्होंने ओपन की है। जो ऑलरेडी कोचेज फ्रेंडली वर्क कर रहे हैं SI के साथ ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस शैल अप्लाई और रिफ्रेश कर सकते हैं इसको दोबारा से। जिसकी लास्ट डेट है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15/10/2021। एलिजिबिलिटी फॉर कोचेज सिक्योरिटेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले है डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम साई NSS, NIS और एनी अदर रिकॉग्नाइज इंडियन पब्लिक फॉरन यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस विद इन 5 ईयर। सेकेंड है मेडल विनर होना चाहिए ओलंपिक, आइदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ट्वाइस ओलंपिक पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंस इन ईयर 0 चाहिए। थर्ड ओलंपिक्स ऑब्लिक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन 2 एक्सपीरियंस ईयर एक्सपीरियंस, आइदर द्रोणाचार्य अवार्डेड विद 0 एक्सपीरियंस। सो कोचिंग एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, पे रेंज यहाँ मेंशन की है फॉर कोचेज जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, पे रेंज दैट इज 1,05,000 to 1,50,000 तक पे रेंज उन्होंने मेंशन की है। टेन्योर 4 ईयर्स एंड एक्सटेंडेबल इन साइकल्स ऑफ 4 ईयर्स की एक्सटेंडेबल हो सकता है। मैक्सिमम एज जो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन रखी है दैट इज 45 ईयर्स। कंसोलिडेट पे विल बी फिक्स्ड किया विद इन द रेंज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एज डिटेल्ड, कि जो यहाँ एक पे रेंज मेंशन की थी, अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंक्रीमेंट्स आइदर 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट 3 इंक्रीमेंट आइदर 9 इंक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोचिंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इन ईयर्स ओवर एंड अबव मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 0 to 2, 9 इंक्रीमेंट 3 to 4 1, अबव 4+ ईयर एक्सपीरियंस 2 इंक्रीमेंट, इन केस ऑफ सर्टिफिकेशन इन योर पर्टिकुलर डिसिप्लिन हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है तो 3, सेकेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन 2 इंक्रीमेंट, थर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन देन 1, एंड द्रोणाचार्य अवार्ड ओवर एंड अबव द एलिजिबिलिटी एंड कोचिंग एक्सपीरियंस 0 to 2 3 to 4 ईयर्स, 2 above 4 years+ that is a 3 increment, that is a consolidated pay with a will be fixed with the range based on experience and qualification, in pay basis pay bhi aapke increment set ho sakte hain। selection procedure mein kya ki through interview including oral test for discipline specific knowledge, in case number of candidate are more than 5
The shortlisting of the candidate for interview shall be carried out on the basis of approved criteria annexure 1. In case 5 से ऊपर कैंडिडेट आ जाते तो shortlisting करेंगे कैंडिडेट को जो annexure 1 में क्राइटेरिया दिया हुआ, ये हम आगे चल के पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे annexure 1 को. अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई. अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन साई वेबसाइट, दैट इज www.sportsauthorityofindia.nis.in/sai-job पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है. रिसीव्ड थ्रू एंड अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड समराइजली रिजेक्टेड. ओनली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एक्सेप्टेड होगा. अदर मोड अगर आपने इसको यूज किया तो वो रिजेक्ट माना जाएगा. लास्ट डेट अगेन सबमिशन डेट, दैट इज द 15/10/2021 टिल 5 PM तक. ये आप लोगों ने सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करके जो उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके लास्ट डेट से पहले पहले इसको सबमिट कर देना. नाउ द क्राइटेरिया जो हम एनेक्चर वन में है, इन केस कैंडिडेट 5 से ऊपर आ गए तो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करना उसका क्राइटेरिया यहाँ मेंशन है. मार्किंग क्राइटेरिया फॉर कोस्ट इन एनेक्चर वन अटैच किया उन्होंने, जिसमें पार्ट वन में है अचीवमेंट एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 70 मार्क्स यहाँ मेंशन किए हैं, जिसमें सीरियल नंबर 1A में है अचीवमेंट एज ए कोच, जिसके 20 मार्क्स यहाँ मैक्सिमम दिए. इसमें क्या है कि अगर एज ए कोच आपकी जो अचीवमेंट है कि मेडल एट ओलंपिक गेम्स, आइदर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स ट्वाइस, ओलंपिक पार्टिसिपेशन, ओब्लिक द्रोणाचार्य अवार्ड, तो 20 मार्क्स आपको एलोकेट होंगे. मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैंपियनशिप और पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग, एशियन गेम्स, तो 15 मार्क्स. मेडल एट वर्ल्ड कप और पार्टिसिपेशन इन कॉमनवेल्थ ओब्लिक एशियन चैंपियनशिप 12 मार्क्स. मेडल एट एशिया कप ओब्लिक और पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप 9 मार्क्स. पार्टिसिपेशन इन एशिया कप तो देन 6 मार्क्स. तो 1A में आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स ही अलॉट हो सकते हैं. 1B में मेंशन है, दैट इज अ कोचिंग एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, अचीवमेंट एज ए कोच एंड कोचिंग एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स योर पर्टिकुलर डिसिप्लिन 10 ईयर एंड अबव 7.6 to 9 years, 5.3 to 5 years, 4, 1 to 2 years, that is a 2 years यहाँ mention है. Next है 1C achievement as a player, so 25 marks यहाँ maximum है कि medal at आपका medal at Olympics game या world championship, Asian games, twice participation Olympics game और इधर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का, तो आपको 25 marks मिल जाएंगे. ये अचीवमेंट आपकी एज ए प्लेयर होनी चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी में आप फॉल कर सकते हैं. मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, अर्जुन अवार्डी और पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स, तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे. मेडल एट वर्ल्ड कप, पार्टिसिपेशन इन कॉमनवेल्थ गेम्स ऑब्लिक एशियन चैंपियनशिप, तो 16 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसके. मेडल एट एशिया कप और पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप तो 12 मार्क्स. पार्टिसिपेशन इन एशिया कप तो आपको 8 मार्क्स. तो ओवरऑल आपको 25 मार्क्स यहाँ मैक्सिमम मिल सकते हैं. 1D में अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें मैक्सिमम आपके 6 है. इन केस आपने PhD की है तो दैट 6 मार्क्स. एनी डिग्री और डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन 4 मार्क्स. इन केस पोस्ट ग्रेजुएट आपने की है तो 2 मार्क्स. कोचिंग सर्टिफिकेशन के आपको 12 मार्क्स मैक्सिमम, जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल बॉडी 12, सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल बॉडी 8, डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम SAI NIS और एनी अदर रिकॉग्नाइज इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी तो 5 मार्क्स. तो पार्ट वन में आपके मैक्सिमम 70 मार्क्स आपको यहाँ क्राइटेरिया में मेंशन है कि 70 मार्क्स हाईएस्ट होंगे, 70 में से आपके कितने बनते हैं इन पार्ट वन. तो पार्ट टू, दैट इज अ इंटरव्यू बेस्ड, 30 मार्क्स यहाँ मैक्सिमम हो गए आपके, जिसमें पैरामीटर्स हैं 2A में कोचिंग एप्टीट्यूड एंड नॉलेज इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉलेज अबाउट हाई परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट, नॉलेज अबाउट बेसिक स्पोर्ट्स साइंसेज 10 मार्क्स.
टू बी में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में 6 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल 5 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 5, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 4 मार्क्स। तो पार्ट बी में आपके 30 मार्क्स टोटल यहाँ मेंशन है। तो पार्ट वन और पार्ट टू को मिला के आपके ग्रैंड टोटल है 100। तो 100 में से आपको कि कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे, तो उसके बाद ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सारा क्राइटेरिया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन के कोचिज के लिए। तो नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट कोचिज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो वेरियस डिसिप्लिन के लिए ओपन की गई है। सो अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट कोचिज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की। पहले हमने बात की थी कोचिज के रिगार्डिंग, नाउ अब वेरियस पोस्टेज जो असिस्टेंट कोचिज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ओपन की है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अगेन ये जो असिस्टेंट कोचिज होंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए, सब्जेक्ट टू ईयरली परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होगी उनकी। तो इसमें आर्चरी में उन्होंने 13 पोस्टें, एथलेटिक्स में 20, बास्केटबॉल 6, बॉक्सिंग 13, साइकिलिंग 13, फेंसिंग 13, फुटबॉल 10, जिमनास्टिक 6, हैंडबॉल 13, हैंडबॉल 3, हॉकी 13, जूडो 13, कबड्डी 5, कराटे 4, कैकिंग कनोइंग 6, खो खो 2, रोइंग 13, स्पेक्टेक्रा 5, शूटिंग 3, सॉफ्टबॉल 1, स्विमिंग 7, टेबल टेनिस 7, ताइक्वांडो 6, वॉलीबॉल 6, वेटलिफ्टिंग 13, रेसलिंग 13, वुशू 6। तो टोटल पोस्ट यहाँ 220 पोस्टें असिस्टेंट कोचिज की ओपन की है साई ने। 220 वैकेंसीज में 90 अनरिजर्व, 33 एससी, 59 ओबीसी, 22 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड 16 एसटी की पोस्टें यहाँ बायोफिकेट उन्होंने की है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/10/21 यहाँ मेंशन की उन्होंने। नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट कोचिज के लिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास साई की तरफ से, डिप्लोमा इन कोचिंग, और जहाँ आपके पास ओलंपिक अब्लिक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो आप, जहाँ आप द्रोणाचार्य अवार्डी, तीन में से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए फॉर इस असिस्टेंट कोचिज की जॉब्स के लिए। पे रेंज यहाँ उन्होंने किया 41,420 to 1,12,400 तक। टेन्योर अगेन 4 ईयर्स एंड एक्सटेंडेबल इन साइकिल ऑफ 4 ईयर्स हो सकती है। मैक्सिमम एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दैट इज 40 की उन्होंने एज रखी है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपकी इतनी एज होनी चाहिए। अगेन जो इंक्रीमेंट रखे हैं कि 1 होगा, 2 होगा, नो इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोचिंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन 0 to 2, 3 to 4, अबव 4 ईयर्स, तो 1, 2 और नो इंक्रीमेंट की उन्होंने पॉलिसीज अपनाई हुई है। इन केस ऑफ सर्टिफिकेशन हाईएस्ट लेवल का तो 3, सेकंड हाईएस्ट 2, थर्ड हाईएस्ट 1, द्रोणाचार्य अवार्ड हो उसमें अगर आपके साथ एक्सपीरियंस है 0 to 2, 1, 3 to 4 एक्सपीरियंस ईयर्स का, 2 अबव 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, देन 3 इंक्रीमेंट्स अवेलेबिलिटी इसके साथ हो सकती है। अगेन सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू इंटरव्यू इंक्लूडिंग ओरल टेस्ट फॉर डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर देन 5 टाइम्स वैकेंसी, देन शॉर्ट लिस्टिंग, वो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट वो करेंगे जो अप्रूव्ड एनेक्चर 1 का क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड किया, वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सेम एसटीज आपको अप्लाई ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना, कोई अदर मोड आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी जो भी वेबसाइट है www.sportsauthorityofindia.nis.in/sai-jobs में जाके आपको इसको ऑनलाइन ही पोर्टल के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो
अगेन लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन सबमिशन की 10/10/21 टिल 5 PM है। तो इस डेट से पहले आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट करनी है। तो नेक्स्ट हम आगे करते हैं एनेक्स्टर वन, जो क्राइटेरिया क्या है, इन केस कैंडिडेट आपके 5 से ऊपर आ गए तो कैसे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। सो अब हम मार्किंग क्राइटेरिया क्या है फॉर असिस्टेंट कोचेस के लिए। अगेन पार्ट वन में 70 मार्क्स है, जिसमें अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट अगेन अचीवमेंट एज ए कोच, तो आपके सामने 20 मार्क्स मैक्सिमम, जिसमें मेडल एट ओलंपिक्स गेम या इधर अदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप एशियन गेम्स में आपका मेडल आ गया एज ए कोच, तो 20 मार्क्स। मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, अब्लीग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो 15 मार्क्स। मेडल एट वर्ल्ड कप इन अब्लीग पार्टिसिपेशन कॉमनवेल्थ गेम एशियन गेम्स 12, मेडल एट एशिया कप 9, पार्टिसिपेशन इन एशिया कप तो 6 मार्क्स। तो मैक्सिमम इस क्राइटेरिया में आपको 20 मार्क्स ही मिलेंगे। कोचिंग एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन 10 ईयर्स एंड अबाउट 7, 6 to 9, 5, 3 to 5, 4, 1 to 2 years, 2 मार्क्स। तो नेक्स्ट है दैट इज अचीवमेंट एज ए प्लेयर, मेडल अगर आपका एशियन गेम्स पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स तो आपके 25 मार्क्स यहाँ होंगे। मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ लीग एशियन चैंपियनशिप, आइदर आप अर्जुन अवार्डी हो तो 20 मार्क्स। मेडल एट वर्ल्ड कप और पार्टिसिपेशन इन कॉमनवेल्थ ऑफ लीग एशियन चैंपियनशिप 16, मेडल एट एशियन कप वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप 12 मार्क्स, पार्टिसिपेशन इन एशिया कप। तो ये क्राइटेरिया फॉर अचीवमेंट एज ए प्लेयर के लिए, जब आप एज ए प्लेयर आपकी ये अचीवमेंट के आपको 25 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। देन 1D एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन केस यू आर PhD देन गो, तो आपको 6 मार्क्स। एनी डिग्री डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट 4 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की तो 2 मार्क्स। कोचिंग सर्टिफिकेशन के लिए हाईएस्ट लेवल का अगर सर्टिफिकेट किया बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल बॉडी 12 मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल बॉडी 8 मार्क्स, डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम साई NIS 5 मार्क्स। तो पार्ट वन में आपको आपके पास 70 मार्क्स में से आपको मार्क्स लेने हैं। तो पार्ट टू में आप इंटरव्यू 30 मार्क्स, कोचिंग एप्टीट्यूड एंड नॉलेज के लिए 10 मार्क्स, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए 6 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए 5, जनरल एप्टीट्यूड 5, बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के लिए 4। तो टोटल पार्ट टू में आपके 30 मार्क्स मैक्सिमम। तो ग्रैंड टोटल पार्ट वन प्लस पार्ट टू को मिला के 100 मार्क्स होंगे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। सो ये था आज का वीडियो फॉर वेरियस पोस्ट जो कोचिज एंड असिस्टेंट कोचिज की साई की तरफ से ओपन की है। इसके रिगार्डिंग आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको साई की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।